हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ माला एन आज मैं लेके आई हूँ ये बॉम्ब मेकअप लुक सो so, इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है देखते हैं इस वीडियो में आज मैं एक प्रोफेशनल टाइप का मेकअप आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि रक्सपोर्स को कैसे कवर करना है अपने बेस को कैसे स्ट्रोंग बनाना है सो लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है सो so, इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने हर वो चीज़ दिखाया है जैसे आपका बेस जो है बहुत स्ट्रांग लगेगा एंड आई मेकअप को कैसे ब्लेंड करना है वो भी मैंने अच्छी तरीके से बताया सो so, चलते हैं अब अपना मेकअप क्रिएट करते हैं सो so, पहले मैं अपना प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ फेस पे मैंने लिया है मेवलिन फिटमी का डी प्राइमर इस इसको मैंने अपने ब्रश के हेल्प से अच्छी तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ अपने पोर्स वाले एरिया पे, अपने चिन पे अपने पूरे फेस पे मैंने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है अब मैं अपने फेस का डार्क स्पॉट्स को डार्क सर्कल्स को पिगमेंटेशंस को एंड थोड़ा डिसकलरेशन को थोड़ा हाईलाइट मतलब हाइट करने के लिए अप्लाई करूँगी ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर तो मैंने लिया है एलेगल का कलर करेक्टर इसको मैं अपने पिगमेंटेशंस वाले डार्क स्पॉट्स वाले uh, जगह पे अप्लाई कर रही हूँ पहले एंड ब्रश के हल से इसको डाइविंग मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना एंड बहुत कम भी अप्लाई नहीं करना क्योंकि कम अप्लाई करने से जब ब्लेंड करेंगे तब वो प्रोडक्ट जो है वहाँ से हट जाएगा सो so, इस तरीके से मैंने आ, अच्छी तरीके से ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करी हूँ अपने माउथ के एरियाज़ पे जहाँ पे मेरे मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा डिस्क्लेरेशन है सो so, उस जगह पे मैंने अप्लाई किया अपने आ, फ़ेस पे जहाँ पे मुझे थोड़ा पिंपल्स के दाग थे वहाँ पे मैंने अप्लाई किया एंड ब्रश के हल्प से इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया आई के अंडर आ, इनर कॉर्नर वाले एरियाज़ पे भी मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है हाईलाइट करने के लिए अप्लाई किया है अब मैं इसको ये जो येल्लोइ ये औरेंजेस ये टोन है ना इसको कैंसल आउट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ एलेगल का दूसरा कंसीलर उससे आपका जो ऑरेंजिस टोन है वो हाइड हो जाएगा एंड फेस पे एक स्मूथ सा बेस बनेगा सो इसको लेके अपने जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कलर कलर करेक्टर अप्लाई किया था उस जगह पे मैंने इसको अप्लाई किया ये मेरे सेट से एक सेट डार्कर है सो इसको मैंने लेके अच्छी तरीके से अप्लाई किया है अब मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी इसको ब्लेंड करने के लिए वही वाला ब्रश अप्लाई ब्रश लिया है मैंने जिससे मैंने अपना ऑरेंज कलर करेक्टर ब्लेंड किया था सो so, इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी पूरे फेस पे एंड आप देखना मेरा बेस जो है बहुत ही स्मूथ लगेगा एंड उसके बाद आप जब फाउंडेशन अप्लाई करोगे तब आपका जो फाउंडेशन है वो ऑरेंज नहीं टर्न आउट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑरेंज कलर का रेक्टर अप्लाई करने के बाद आप उनका जो फाउंडेशन है वो ऑरेंज हो जाता है तो इस तरीके से ये टेक्निक आपको फॉलो करना है अब मैंने लिया है मेब्लिन सुपर स्टे फाउंडेशन ट्वेंटी फोर आवर फुलवेयर फुल कवरेज फाउंडेशन ये एक अच्छा फाउंडेशन है इसमें मेरा से है वन ट्वेंटी एट न्यूड सो इसको लेके मैं फिंगर के हेल्प से पूरी जगह पे अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी ताकि जब मैं ब्लेंड करूँगी तो मेरा फेस पे इक्वली प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सो so, इस तरीके से अब मैं अप्लाई करी फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है डाइविंग मोशन में आपको ड्रैग नहीं करना है नहीं तो नीचे का जो प्रोडक्ट है वो निकल के आएगा सो so, इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है बहुत स्मूथली हो जाएगा आपको लिप्स को नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आप लिप वाले एरिया पे थोड़ा भी छोड़ोगे तो लिपस्टिक लगाने के बाद उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना इस तरीके से करने के बाद दिखेगा सो so, अब मैं कंसीलर में ले रही हूँ मैं वेच एंड वाइल्ड का कंसीलर जिसमें मेरा सीरे हुए वे, मीडियम वेज हाँ इसको मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करूँगी अपने आई एरिया पे अपने माउथ के एरियाज़ पे एंड थोड़ा चिन पे नोस के ब्रिज पे फोरेड पे इस तरीके से मैं इसको अप्लाई करूँगी आई वाले एरिया को मैं लास्ट में ब्लेंड करूँगी एंड सिक्स वाले इस एरिया पे मैं रिवर्स कंट्रोलिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा जो कंट्रोल के नीचे वाला पार्ट है थोड़ा हाईलाइटिंग हाईलाइटेड दिखे सो अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छी तरीके से इसको मैं ब्लेंड करूंगी मैंने ये लाइट वाला कंसीलर जहाँ जहाँ अप्लाई किया था वहीं उसी जगह पे ही मैंने इसको ब्लेंड किया है ड्रैग नहीं करना एंड इसको फॉरिड को भी मैंने इस तरीके से ब्लेंड किया है थोड़ा वी शेप में ताकि मैं बाद में ब्राउनजिंग करूँ कंट्रोलिंग करूँ तो मेरा जो फेस का जो मिड पार्ट है वो थोड़ा हाईलाइटेड दिखे एंड अब मैंने आई एरिया का भी ब्लेंड कर लिया है आप देख सकते हो अब मैं सी ग्लैम का ये कंट्रोल ले रही हूँ लिक्विड कंट्रोल सो इसके हल से मैं आ, अपने कंट्रोलिंग एरियाज़ पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी एंड फॉरड पे थोड़ा अप्लाई करूँगी जॉ लाइन पर अप्लाई करूंगी अपना डबल चीन हाइट करने के लिए अगर आपका फॉरड छोटा है तो आप इस पार्ट को फॉरड वाले पार्ट को स्कीप कर सकते हो नोज पर थोड़ा अप्लाई कर दिया एंड ब्रश के हल से इसको भी ब्लेंड करूंगी आपको लिक्विड वाले प्रोडक्ट क्रीम वाले प्रोडक्ट उसी उसी टाइम पर अप्लाई करना है जब आप क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो नहीं तो पाउडर अप्लाई करने के बाद आपको क्रीम प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना उससे आपका बेस जो है बहुत पैची एंड थोड़ा केकी दिखने लगेगा और ब्लेंड भी अच्छे से नहीं होगा सो so, इस तरीके से मैंने अपना ब्राउज़र को अप्लाई अप्लाई किया एंड इसको ब्लेंड किया हेयर लाइन फॉर्ड वाले एरिया पे हेयर लाइन की तरफ लेके जा रही हूँ नीचे की तरफ नहीं लेके आना नहीं तो पूरा फेस जो है ब्राउजी ब्राउन्जी लगेगा इस तरीके से मैंने अप्लाई किया एंड नोस के वहाँ पे मैं थोड़ा छोटा ब्रश लूँगी दूसरा एंड उसके हेल्प से मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगी थोड़ा उस तरीके से पुश करके ब्लेंड करूंगी आप देखना एंड ये वाले कंसीलर मतलब कंट्रोल का मेरा सेड है वाम हनी सो so, इसको मैंने अप्लाई किया अब मैं सी सी ग्लैम का ही ब्लश अप्लाई कर रही हूँ ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा है ये ब्रश बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है इसमें मेरा सेड है रोज रिचुअल सो इसको मैं अपने फेस के हाई हाई एरिया पे अप्लाई कर रही थी अंदर की तरफ नहीं अप्लाई करी क्योंकि मुझे क्लीन लुक चाहिए था अंदर की तरफ थोड़ा हाईलाइटेड लुक सो इसलिए मैं बाहर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा फॉरेड की तरफ भी ड्रैक करके लेके जा रही हूँ ताकि मेरा जो फॉरेड एंड चिन का जो पार्ट है ब्लस वाला वो एक ब्लेंडेड एंड सॉफ्ट सा लगे सो अब मैं अपना कंसीलर को सेट कर रही करें उसके लिए मैंने लिया है रेवोल्यूशन का बनाना बेकिंग पाउडर सो इस तरीके से पहले मैं डैब डैप करके अपने कंसीलर को सेट करूँगी क्योंकि सेट करना बहुत ज़रूरी है एक ही बार में आप अगर बेकिंग करना चालू करोगे तो वो जो प्रोडक्ट है कहीं ज़्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा सो पहले आपको अच्छी तरीके से डैप डैप करके करना है उसके बाद अगर चाहो तो बैक कर कर सकते हो सो मैंने इस तरीके से अपने अंडर आई के नीचे पाउडर लगा दिया था क्योंकि मैं थोड़ा हैवी लुक कर रही थी तो फॉल आउट ना हो जाए उसके वजह से सो so, अब मैंने इस तरीके ब्रश में यूरोप गर्ल का पैलेट में से वो ग्रीन कलर को लेके आउटर भी मैं पहले कलर uh, को डिपॉजिट कर रही हूँ एंड इनर कॉर्नर पर भी डिपोजिट करूंगी पहले आपको कंसीलर को अच्छी तरीके से डैब डैब करके उसी जगह पर रखना है जहाँ आपको रखना है पिगमेंटेशन आपको हैवी चाहिए हो सो so, इस तरीके से मैं अपने पिगमेंटेशंस को पहले बढ़ाऊंगी अच्छी तरीके से कलर को uh, पैक करूँगी एंड उसके बाद ही मैं उसको ब्लेंड करना शुरू करूँगी इस तरीके से जितना मुझे चाहिए था पिगमेंटेशन उतना मैंने पहले डिपोज़िट कर लिया एंड अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसके एजेस को अंदर की तरफ मैं नहीं छोड़ी लिट लिड के पोर्शन में मैं नहीं छोड़ी बस मैं जो क्रीज़ वाले एरिया है ना उसी जगह पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसी जगह को मैं फॉलो फोकस कर रही हूँ अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी एंड अब मैं दूसरा क्लीन ब्रश लेके उसी एजेस को मैं सॉफ्ट कर रही हूँ ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पे आपका आई साइडो ख़त्म होता है ना उस जगह पे आपको सीधा वाला लाइन नहीं दिखाना उसको ब्लेंड करना है अब मैंने दूसरा वाला कलर लिया जो मैंने दिखाया उसको उसी ब्रश में लेके उस पार्ट पे ब्लेंड करके एक स्मूथ सा लुक क्रिएट कर रही थी क्योंकि आप आई मेकअप में पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ से शुरू है एंड कहाँ जाके खत्म हुआ है सो so, वो जो मिड वाले पोर्शन में जो मैंने खाली रखा था उसमें मैंने गोल्डन सिमर भर लिया एंड अब मैंने लिया है निक्स का आ, ग्लिटर प्राइमर इससे आपका ग्लिटर जो है अच्छी तरीके से चिपकता है फॉल आउट नहीं होगा अब मैंने आ, एक गोल्डन सा ग्लिटर लेके उसके ऊपर इस तरीके से ब्लेंड कर दिया आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा अब मैं ब्रश लेके जहाँ पे जहाँ पे मैंने येलो कलर का वो सिमर अप्लाई किया था उसको थोड़ा ब्लेंड कर दिया अब मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ मैंने लिया है मेबलिन का आ, हाइपर प्रिसाइज ऑल डे आईलाइनर ये अभी आके मेरा बहुत फेवरेट हुआ है मैंने आपने देखा होगा कि हर कोई मेकअप में मैं इसी को अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये इतना प्यारा आईलाइनर है सो मैंने थोड़ा वी विंग करके थोड़ा इसको अप्लाई किया है आउटर वी में थोड़ा आ, अपने जहाँ पे आई लिट खत्म होता है वहीं तक ही अप्लाई किया है अनर इनर कॉर्नर को ही वी क्रिएट किया है एंड ब्राउबोन इन इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है इस मस्ट एंड अब मैं अप्लाई कर रही थी फॉल्स लैसेस उसके बाद मैंने अप्लाई किया है मस्कारा ताकि मेरा जो नेचुरल लैसेस है उस फॉल्स लैसेस के साथ अच्छे से कोट हो जाए अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड स्मूथ सा लुक मिले अब मैं कर रही हूँ लॉर लैस लाइन को कंप्लीट उसके लिए मैंने वेस्ट एंड वाइल्ड काजल लिया है उसको अपने लोअर वाटर लाइन को अप्लाई कर रही करी एंड uh, अब मैं दूसरा वो जो ब्रश था ग्रीन कलर का उसी को लेके मैं अपने लोअर लेस लाइन को भी ब्लेंड करूँगी uh, आई साइडो लेके ग्रीन कलर का आई साइडो लेके अच्छी तरीके से स्मूथ आउट करूँगी अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी अब मेरा आई मेकअप कम्प्लीट है देखना आप कितना अच्छा लग रहा है मैंने दूसरी तरफ भी कर लिया अब मैं जो पाउडर मैंने बैकिंग के लिए छोड़ दिया था उसको एक फ्लपी ब्रश के हल्द से अच्छी तरीके से डस्ट आउट करूँगी एंड मेरा लुक जो है बहुत कंप्लीट है अब मैं इसी ब्रश को अपने फॉरड पे अपने फेस के बाकी की जगह पे थोड़ा रन करूँगी एंड अब मैंने लिया है फिजिशन फार्मूला का बटर ब्राउजर ये अभी आके बहुत फेवरेट है ये नया प्रोडक्ट था मैंने कुछ दिन पहले ही ट्राई किया था तब से मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा और जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं जेनविनली मैं इसको इतना यूज़ करती हूँ कि मैं मतलब जब तक दूसरा नहीं मिल जाता अच्छा तब तक मैं इसको ही यूज़ करती रहती हूँ एंड मैंने ब्राउजिंग कर लिया फेस पे जहाँ जहाँ मैंने कंटोरिंग किया था उसी जगह को मैंने सेट करने के लिए अब मैं ब्लस अप्लाई करी हूँ ये एसेंस का ब्लस है इसका सेट नंबर है थर्टी Um, कुछ तो नाम था इसका मैं भूल गई लेकिन नंबर है थर्टी सो so, इसको मैं अपने ब्लस वाले एरिया पे जहाँ पे मैंने एक लिक्विड ब्लस क्रीम ब्लस अप्लाई किया था वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया अब मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है मैंने एंड इसको मैं अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पे अप्लाई करूँगी थोड़ा ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना एक फ्लपी ब्रश में मैंने हाईलाइटर लिया एंड ब्लेंड करते हुए ब्लेंड किया क्योंकि हार्स लाइन नहीं दिखाना नहीं छोड़ना क्योंकि इससे आपका मेकअप लुक ख़राब दिखता है आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए टाइम दे के हाईलाइटर को ब्लेंड करना है नहीं तो वो सीधा सा लाइन जो हो जाता है ना वो अच्छा नहीं दिखता एक स्मूथ सा लगना चाहिए हाईलाइटर तभी जाके अच्छा लगता है अब मैं लिप्स को लाइन करूँगी पहले आउटलाइन करूँगी क्योंकि आउटलाइन करने के बाद आप अगर लिपस्टिक अप्लाई करोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है इसमें मैंने लिया है निक्स का आ, लिप लाइनर उसमें मेरा सेड है एक्सप्रेसो हाँ एक्सप्रेसो एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ये नया लिपस्टिक है मैंने लिया था कुछ दिन पहले सो so ये मेबलिन का लिपस्टिक है लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड थोड़ा ग्लॉसी इफ़ेक्ट है इसका सो so मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक ज़्यादातर मैट होते हैं और लिप्स को ड्राई कर देते हैं सो so अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का ही अ, सेटिंग स्प्रे इसको मैं पूरे फेस पे अच्छी तरीके से इससे अपना फेस को अच्छी तरीके से सेट करूँगी एंड अब मैं इयर रिंग्स ऐट कर रही हूँ अपना मेकअप लुक को कंप्लीट कर रही हूँ सब कुछ मैंने वेयर कर लिया ये है मेरा फाइनल लुक आप लोगों को ये लुक कैसा लगा आपको अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर... करना मत भूलिएगा आप अपने इस लुक को अपना साड़ी किसी की आपने कुर्ता वगैरह में आपके ड्रेस के साथ आप इसको मैच करके अप्लाई कर सकते हो कैरी कर सकते हो इसी जगह आप दूसरे दूसरे कलर को भी प्ले कर सकते हो सो so, यही था आज का लुक आप लोगों को ये लुक जरूर अच्छा लगा होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलोंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू एंड टेक केयर